रेड के दौरान एजेंसियों को मिली मैगजीन। पीएफआई की रेड में 2010 में छपी मैगजीन मिली और इस मैगजीन के बाद अब तेजस नाम की यह मैगजीन मिली है और ये रेड के दौरान मिली है। मैगजीन में लिखा है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं वो ये नहीं सोचते कि वो मर चुके हैं, वो अभी भी अल्लाह के पास जीवित है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त पीएफआई की जो रेड हुई उसके दौरान मैगजीन मिली है, ये वो मैगजीन है। उसामा बिन लादेन की तस्वीर के साथ ये मैगजीन और इस मैगजीन में अंदर लिखा है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं वो ये नहीं सोचते कि वो मर चुके हैं, वो अभी भी अल्लाह के पास जीवित हैं। तो इस तरीके का तमाम सामान पीएफआई की रेट के दौरान अलग अलग जगह। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोगों से इकट्ठा किया गया कुछ दस्तावेज भी मिले जो हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कह रहे थे और अब ये एक बहुत ही अहम जानकारी और ये सबूत जो पीएफआई की रेड के दौरान मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ तो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार हम अपने दर्शकों को ये तो बता ही रहे थे कि पीएफआई के अलग अलग दफ्तरों से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ये बात करते हैं कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये जो मैगजीन मिली है 2010 में छपी ये मैगजीन ओसामा बिन लादेन की तस्वीर के साथ, ये एक बहुत अहम सबूत है पीएफआई के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए ये तेजस मैगजीन है, पीएफआई लिंक मैगजीन है, पीएफआई कई तरीके की मैगजीन पब्लिकेशन भी करते हैं और ये 2010 का ये संस्करण है जिसके फ्रंट पेज पर ओसामा बिन लादेन का फोटो लगा हुआ है और ओसामा बिन लादेन पर कवर स्टोरी की गई थी जिसमें तो यूरोप की तरीके से पेश किया गया था और उसमें ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी मेंशन किया गया था कि जो वो काम कर रहा था। दरअसल ये मैगजीन ही कहना चाह रही थी कि ओसामा बिन लादेन जो काम कर रहा है वो ग्रेट काम है और मरते भी अगर मर इस रास्ते में मरता भी है या उसके आइडियोलॉजी पर जो लोग मरते हैं, दरअसल मरते नहीं है, वो तो जिंदा रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये बड़ी खतरनाक इसको माना गया क्योंकि इससे कई तरीके के जो रेडिकलाइजेशन एक्टिविटीज चल रही थी जो पीएफआई पे एलिगेशन है। तो हमने देखा भी कि कई पीएफआई के जो लोग हैं वो बाद में टेररिस्ट भी बने, जैसे कि आप देखें अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकी भी बिल्कुल, बने। बिल्कुल बिल्कुल, रेडिकलाइजेशन की ये जो कोशिश और ये जो कट्टरपंथी सोच है इसको लेकर ये एक और अहम सबूत और यही वजह है कि लगातार पीएफआई को बैन करने की मांग की जा रही थी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।